अल्लाह करीम का दीदार करें। जरा गौर कीजिएगा प्यारे आका कैसे करीम और शफीक हैं उम्मतियों पर, खुद तो गए अल्लाह की बारगाह में, दीदार कर कर आए, हमारे दीदार का इंतजाम भी करके आए। कैसे इंतजाम किया? नमाज के बारे में हदीस पाक है, नमाज मोमिन की मेराज है। नबी पाक खुद मेराज पर गए, हमारे लिए तोहफा लाए, वो हमारी मेराज है। अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो कयामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नमाज के टॉपिक पर एक बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। मैं समझता हूँ अगर दिल की कानों से आप ये बयान सुनेंगे तो ये बयान आपके लिए काफ़ी होगा नमाजी बनने के लिए। इसमें आप नमाज ना पढ़ने की वईदे भी सुनेंगे, नमाज पढ़ने की क्या सवाब है वो सारे कुछ आप समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इस बयान को सुनते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए नमाज बहुत बड़ी नेमत है, नमाज बहुत बाबरकत इबादत है, नमाज अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है, नमाज प्यारे आका अली सलातुस्सलाम की आंखों की ठंडक है, नमाज अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज अजाबे कब्र से बचाती है, नमाज नूर है, नमाज दीन का सुतून है, जन्नत की चाबी है, नमाज से रहमत उतरती है, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। और सुनिए, नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़े बंदे हैं ना, हैं नबी पाक को अल्लाह का दीदार हुआ, यकीनन दिल बड़ा खुश होता है, मगर कभी कभी दिल में ये तमन्ना तो होती है ना कि गुनाहगार तो हम भी हैं, मगर जी तो हमारा भी चाहता है ना कि हम भी रब का दीदार करें। हैं काबिल नहीं है, मगर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम भी नबी अल्लाह करीम का दीदार करें? ज़रा गौर कीजिएगा प्यारे आका कैसे करीम और शफीक हैं उम्मतियों पर, खुद तो गए अल्लाह की बारगाह में, दीदार कर कर आए, हमारे दीदार का इंतज़ाम भी करके आए। कैसे इंतज़ाम किया? नमाज के बारे में हदीस पाक है, नमाज मोमिन की मेराज है। नबी पाक खुद मेराज पर गए, हमारे लिए तोहफा लाए, वो हमारी मेराज है। अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो कयामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने रब का दीदार करना तो नमाज को नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब सुभान अल्लाह, अभी हमने जो आयत सुनी, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, क्या कहा कुरान ने? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। ये पारा नंबर 21 है, सूरह अनकबूत है और आयत नंबर 45 है। आयत बड़ी कमाल की है, मगर अब इस बात को जब हम सुनते हैं, कुरान की इस आयत को सुनते हैं, तो सवाल जहन में आता है कि अगर नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है तो फिर हम तो देखते हैं बंदा नमाजी भी है, झूठ भी बोल रहा है। कई ऐसे नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, हराम भी कमाते हैं। कई ऐसे नमाजी हैं नमाज पढ़ते हैं तो जनाब धोखा भी दे रहे हैं। कई नमाजी हैं नमाज भी पढ़ रहे हैं, बाद अल्लाह बेहयाई के काम भी कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है और ये नमाज पढ़ने वाला गलत काम कर रहा है, तो असल मामला क्या है? देखिए, पहले एक बात, हमारा ईमान क्या है कि कुरान में कोई शको शुबा नहीं है, ला रैब किताब है, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता, जो इसमें आया वो हक है। तो अब एक चीज़ तो पक्की है कि कुरान सच्चा है, तो ये नमाजी क्यों गलत काम कर रहा है? इसका मतलब इसकी नमाज में कोई प्रॉब्लम है, इसकी नमाज ठीक नहीं है। नमाज ठीक हो जाएगी तो बंदा गुनाह नहीं करेगा। बड़ी प्यारी बात, हमारे निगरान शूरा एक जगह तशरीफ़ ले गए, एक बयान था, मशवरा था, तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हम दावत इस्लामी वाले अगर एक काम कर लेना कि हम बंदे की नमाज दुरुस्त कर दें, नमाज बंदे को दुरुस्त कर देगी। हम एक बंदे से सारी बीमारियां सारी बुराइयां नहीं निकाल सकते, हम इसको सही नमाजी बना दें, प्रॉपर नमाज पढ़ना सिखा दें, बाकी नमाज का काम है नमाज बंदे को ठीक कर देगी। कुरान ने कहा है ना कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकेगी। अब सवाल ये आता है कि नमाज फिर क्या हमारी नमाज ठीक नहीं है? हम में से बहुत सारे यहाँ ऐसे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे जो 15 साल 20 साल 30 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, भाई नमाज तो ठीक पढ़ते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसको समझते नहीं हैं लोग। याद रखिए कि नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल करूँ कि जनाब ये बताइए आपने नमाज कब सीखी है, जितने नमाजी यहाँ मौजूद हैं,
हमने नमाज देखकर सीखी है। हम में से बहुत सारे लोगों ने वुजू कैसे सीखा, लोगों को वुजू करते देखा, हम वैसे ही वुजू करते हैं। अब भी कई लोग वुजू में बड़े अजीब अजीब काम कर रहे होते हैं, अंगूठा चूमते हैं, गर्दन पे पता नहीं कहाँ कहाँ गले पे मसा कर रहे होते हैं, अजीब अजीब पानी छिड़क रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोगों को करते देखा वही कर रहे हैं। वुजू के फ़राइज़ क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, आदाब क्या हैं, कौन से काम है जो नहीं कर रहे हैं वो पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नमाज कैसे सीखी कि जरा अब्बू को नमाज पढ़ते देखा, दादा को देखा, कभी मस्जिद में आए तो लोगों को देखा, हमने भी शुरू कर दी। प्रॉपर नमाज सीखने की क्लास कब ली आपने? कोई दर्जा, कोई प्रैक्टिस, कोई उस्ताद? हालांकि नमाज दीन का सुतून है। आप देखिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। सबसे पहला फर्ज नमाज है और उसको सीखा ही नहीं है। टाइम कितना दिया हमने नमाज को, उसके बारे में कितना जाना, और हम कहते हैं जनाब 20 साल से नमाजी हूं। सोचिए, क्या ड्राइविंग कभी कोई इस तरह सीखता है कि जनाब मैं 20 साल से ड्राइवर के बराबर में बैठ रहा हूं, रोज देखता हूं वो गियर कैसे लगाता है, रेस कैसे देता है, क्लच कैसे दबाता है, टर्न कैसे करता है, मैं भी सीख गया। देखने से नहीं, बंदा क्या कहेगा, बैठो पहले, एक उस्ताद होगा जो आपको बताएगा, रोड पे आओगे तो पता चलेगा ड्राइविंग कैसे होती है। दुनिया की बहुत सारी चीजें मैंने और आपने सीखी, वो किसी उस्ताद से सीखी, किसी जगह जाकर बाकायदा सीखी, मगर नमाज को हम में से बहुत कम लोगों ने टाइम दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज के जाहिरी और बातनी आदाब बहुत जरूरी हैं। काश हम इस बात को समझने में कामयाब हों। अब आइए नमाज के चंद आदाब सुनते हैं कि कैसे सीखें। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के माहौल को। मैं कुछ तो बातें बयान में कर सकूंगा, लेकिन जाहिर मैं पूरी नमाज आपको नहीं सिखा सकता, मगर अल्लाह दावत इस्लामी के माहौल को सलामत रखे कि इस मदनी माहौल में, इस नेक माहौल में हमें नमाज कोर्स करवाया जाता है। मैं ऑलमोस्ट 50 साल का हो गया हूँ, ये बुजुर्ग भी बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लें, आधी सदी तो मुझे भी हो गई है, ठीक है ना। अगले पिछले 5 साल से पहले मैंने नहीं सुना था कि कोई नमाज कोर्स भी होता है, हैं? ये दावत इस्लामी की ऐसी इन्वेंशन है, एक ऐसा कमाल है कि जनाब बाकायदा कोर्स डिजाइन कर दिया कि 7 दिन के लिए आ जाएं, यकीन करें आप एक बार करके देखें। हजारों ऐसी मिसालें हैं जो लोग कहते हैं आज पता चला नमाज कैसे पढ़नी है, आज पता चला वुजू कैसे होता है, गुस्ल कैसे होता है, हमें तो पता ही नहीं था, हम बस किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। अच्छा, अब पता क्या है, अगर आप तरीके से सही अंदाज से नमाज नहीं पढ़ रहे ना, उसका नुकसान पता क्या हो रहा है कि जो नमाज से मुझे मिलना था, जो राहत मिलनी थी, जो बरकत मिलनी थी, जो मेरे किरदार पर असर होना था, जो दुआएं कबूल होनी थी, जो चेहरे पे नूर आना था, जो रोजी में बरकत होनी थी, वो कुछ भी नहीं हो रही। बंदा कहे यार नमाज भी पढ़ रहा हूं मगर बजाहिर कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा, नमाज तो दुरुस्त करें। अच्छा, अब शैतान है ना, कहता यार इतना थोड़ी सख्त होता है, कोई बात नहीं अगर नमाज में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। है, याद रखिए नमाज में तिलावत भी है, क्या हमारी किरात दुरुस्त है? नमाज में तहारत भी है, क्या हमारा वुजू और गुसल दुरुस्त है? गौर कीजिए, बहुत सारी बारीकियां हैं। तो जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार ये इतना मुश्किल दीन बना दिया, थोड़ी बहुत अगर गलती है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। देखें, अब बहुत सारी बातें साइंस ने सिखा दी हैं, टेक्नोलॉजी ने सिखा दी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बेशक मैं गोठ में आया हूँ मगर इस गोठ में रहने वालों के हाथों पर मोबाइल देख रहा हूँ। हैं, गोठ जरूर है मगर मॉडर्न गोठ है, लोगों को बहुत सारी चीजें मुयस्सर हैं, तो मेरी बात आप जरा जल्दी समझेंगे। मुझे बताएं किसी के मोबाइल में पासवर्ड हो, हालांकि अंग्रेजी का लफ्ज है लेकिन अब गांव गोठों के लोगों को भी पासवर्ड पता है। जानते हो ना पासवर्ड किसको कहते हैं? लॉक लगाने के लिए कोड डाला जाता है। अगर आपके मोबाइल में आपने कोई पासवर्ड लगा दिया है, हैं, मिसाल के तौर पर 1234, अगर कोई पासवर्ड में 1233 लिखे, मोबाइल खुल जाएगा? बताइए ना। देखो गोठ वाले भी कह रहे हैं नहीं खुलेगा, इतना तो पता है। अच्छा जनाब, एक ही नंबर का तो फर्क है यार, 1233 और 1234 में एक ही नंबर का तो फर्क है, मोबाइल नहीं खुलेगा। अच्छा, किसी के इंटरनेट बैंकिंग यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनमें से भी कुछ होंगे ऐसे, ठीक है ना। अगर आपने कोई इसमें पासवर्ड लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पर किसी भाई का नाम अब्दुल्ला, गोठ का नाम भी अब्दुल्ला ही है तो जरा जल्दी समझ आ जाएगा, अब्दुल्ला नाम है, ABDULLAH उनके नाम की स्पेलिंग है, उसने अब्दुल्ला कोड लगाया है, अब्दुल्ला ही लिखते हैं मगर बाद में एक नुक्ता लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, अब खुल जाएगी वेबसाइट। क्यों भाई, अब्दुल्ला पूरा सही लिखा है? आप कहेंगे वो डॉट क्यों लगाया, उसको भी मिटाएं। अच्छा, डॉट भी नहीं लगाता भाई, अब्दुल्ला के अंदर बीच में एक स्पेस दे देता हूं, थोड़ा सा वक्फा है, थोड़ा सा स्पेस, अब तो खुल जाएगी ना वेबसाइट, अब भी नहीं खुलेगी।
भाई अब्दुल्ला ही है, नुक्ता भी नहीं लगाया, कॉमा भी नहीं लगाया। तो आप कहेंगे वो स्पेस जो दिया है ना वो भी नहीं देना था। जैसा पासवर्ड है, जैसा कोड है, वैसा ही डालोगे तब मोबाइल भी खुलेगा, तभी वेबसाइट खुलेगी, तभी ऑनलाइन पैसे आएंगे। ऐसा ही है यार, कमाल है। सारी चीजों में आप कहते हैं जैसा लिखा था, जैसा कोड है, वैसा ही होना चाहिए। कुरान जैसी मर्जी पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, नमाज जैसी मर्जी पढ़ोगे चल जाएगी। खुद सोचे ना, ये हम ज्यादती नहीं कर रहे। बाकी सब चीजों में मक्खी पे मक्खी बिठानी है और बाकी कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला है। भाई आप सीखे ना, आपको किसने मना किया? बाकी सारी चीजें सीख रही, मोबाइल में भी यही कहते हैं यार चला लो भाई कोई बात नहीं, कैपिटल स्मॉल का फर्क है, वहां सब समझ आता है लोगों को। लेकिन जब दीन की बात करें तो कहते हैं यार बहुत मुश्किल कर दी है, बड़ा सख्त कर दिया है, अल्लाह माफ करने वाला है। जनाबे वाला कमाल हो गया, आपको इसमें सख्ती नजर आती? सख्ती नहीं है, हमारी सुस्ती है। हम इल्म सीख लें, हम नमाज सीख लें, फिर देखें सही नमाज पढ़े कैसी बरकतें मिलती हैं। अल्लाह करे ये बात हमें समझ में आ जाए। तो अब नमाज का पहला अदब जो हमने सीखना है कि नमाज को वक्त दीजिए। ये जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज इतनी होदम मचाते हैं, वुजू किया, वुजू भी ऐसे किया कि बराबर वाले को भी वुजू करवा दिया। इतना जोर जोर से वुजू करेंगे कि बराबर वाला बैठे बैठे उसका आधा वुजू हो जाए, उसके कपड़े भी गीले हो जाएंगे। अच्छा अब वुजू तो कर लिया, उसको सुखाना भी नहीं है, उसके कतरे टपक रहे भागते हुए मस्जिद में आए, मस्जिद को भी गीला किया। अभी नमाज शुरू हुई है तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सा मसला है, दड़ा नमाज पढ़ रहे हैं। रुकू पूरा नहीं हुआ तो खड़े हो गए, सजदा नहीं हुआ तो फिर खड़े हो गए, और ऐसे नमाज पढ़ रहे जैसे कोई मुकाबला चल रहा है। और उसके बाद अभी जनाब बंदा आम इंसान तसल्ली से दो रकात ना पढ़े उसकी नमाज पूरी होती, बाहर भाग जाते हैं। सोचे ये क्या अंदाज है, क्या ये नमाज पढ़ने का सही तरीका है? सुकून से नमाज में जल्दबाजी ना करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतर चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। साहबा ने कहा हुजूर नमाज में चोरी कौन कर सकता है? हैं सुनो, अगर मुझे और आपको कोई चोर कहे, बंदा कहे यार कमाल की बात कर रहे हो, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, मगर नबी पाक ने उसको सबसे बुरा चोर कहा, ये पैसे चुराने वाला चोर गलत है, मगर इससे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी कर रहा है। तो नबी पाक से साहबा ने कहा हुजूर नमाज में कौन चोरी कर सकता है? तो आपने फरमाया जो उसके रुकू और सुजूद पूरे नहीं करता, सुकून से रुकू नहीं करते, सुकून से सजदा नहीं करते। अभी एक सजदे पे गए नहीं खड़े हो जाएंगे, हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कौवा टोंक नहीं मारता। प्यारे अकाली सरत उसने जुमला फरमाया, नबी पाक ने फरमाया कव्वे की सी ठोंग यानी चोंच मारने और दरिंदे की तरह हाथ बिछाने से प्यारे आका ने मना फरमाया। यानी सजदा करने वाला ऐसे जल्दी जल्दी सजदा न करे जैसा कव्वा जमीन पर चोंच मारकर फौरन उठा लेता है। सुकून से आराम से नमाज पढ़ें। अच्छा नमाज किसकी बारगाह में हाजिरी है जरा बताइएगा, किसके पास जाते हैं, किससे बातें करते हैं? अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अपने दिल से पूछो, आप किसी बहुत बड़ी शख्सियत के घर जा रहे हैं, मिनिस्टर के पास, किसी जनाब बड़े अफसर के पास, और आपका उससे काम भी है, एक तो बंदा भी बड़ा और आपको प्रॉब्लम भी, आपको उससे कोई साइन भी करवानी है, क्या क्या देखोगे? कपड़े ठीक हैं कि नहीं, बाल सही बने हुए हैं कि नहीं है, खुशबूशबू भी लगाएंगे और बड़े अदब के साथ बड़े तरीके से जाएंगे कि फाइल पेश करूंगा, सर सर जरा मेहरबानी, थोड़ा सा अदब का अंदाज भी होगा। अल्लाह की बारगाह में जाना है, कपड़े मैले हैं तो मैले हैं, बाल बिखरे हुए हैं तो बिखरे हुए हैं, मुंह से बदबू आ रही है तो बदबू आ रही है, अस्तीने चढ़ी हुई हैं। लोग कहते हैं क्यों अस्तीने नीचे कराते हैं, क्या दुनिया वालों के सामने अस्तीने चढ़ाकर गिरेबान खोलकर जाते हो? इसलिए आपने देखा होगा दावत इस्लामी वाले इमाम ऐलान करते हैं कि अपने गिरेबान के बटन बंद कर लें, आस्तीने अच्छी तरह नीचे कर लें। यार अल्लाह की बारगाह में जाना, यह अंदाज है, हैं खुद सोचे ना, मैं बेअदबी तो नहीं कर रहा कहीं, बावकार सुकून से। अच्छा किसी दुनियादार बंदे के पास है, जल्दी जल्दी सर जल्दी साइन करे, जाना है मैंने, जाना है मैं भाग रहा हूं। अरे भाई सुकून से अल्लाह के पास कैसे जा रहे हैं? बस नमाज शुरू हुई, खत्म हुई, भाग गए। सुकून से, अदब से, वकार से, इल्तिजा हो, गिड़गिड़ाना हो, रिक्वेस्ट हो, ए अल्लाह आ गया तेरा मुजरिम, आ गया तेरा बंदा, ए करीम आज बख्शिश की खैरात लेके जाऊंगा। पढ़ो तो सही ऐसे नमाज, फिर देखो कैसे बिगड़े काम बनते हैं। हमने तो नमाज को भी मजाक बना दिया है। एक तो बहुत बड़ी तादाद पढ़ती नहीं, पढ़ती है तो सही नहीं पढ़ती, फिर कहते मसले हल नहीं होते, फिर कहते बरकत। अरे नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हारे मसाइल हल कर देगी, नमाज रोजी में बरकत लाएगी, नमाज बीमारियों को दूर करेगी, नमाज तुम्हारे चेहरे पर नूर लाएगी, मगर सही नमाज तो पढ़े ना।
पता नहीं क्या हो गया हमें, हम क्यों नमाज को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, जो नमाजें अपने वक्त में अदा करे और नमाज के लिए अच्छी तरह वजू करे और उसके कयाम खुशू रुकू और सुजूद पूरे करे, तो उसकी नमाज सफ़ेद और रोशन होकर ये कहती हुई निकलती है, अल्लाह पाक तेरी हिफाजत फरमाए जिस तरह तूने मेरी हिफाजत फरमाई है। हाय हाय, नमाज दुआ करती है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, तूने मेरी हिफाजत की है। मगर जो नमाज प्रॉपर नहीं पढ़ते ना, सुनो आका फरमाते, जो शख्स नमाज बेवक्त अदा करे, उसके लिए कामिल यानी अच्छी तरह वजू ना करे, उसके खुशू रुकू और सजदे पूरे ना करे, तो वो नमाज सिया तारीक यानी काली अंधेरी होकर निकलती है और ये कहती हुई निकलती है, अल्लाह पाक तुझे जाया करे जिस तरह तूने मुझे जाया किया। नमाज कहती है बंदे के बारे में, ऐ नमाजें जाया करने वालों सोचो। अच्छा, ये तो उसका हाल है जो नमाज सही नहीं पढ़ता, और जो पढ़ता ही नहीं है उसका क्या हाल होगा, बेनमाजी का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। एक तो नमाज पढ़नी है मगर सीख कर पढ़नी है। सबसे पहले तो इत्मीनान करें ना, जल्दी किस बात की है, क्यों भागना है मस्जिद से। सच बताओ ये हम किसके घर में बैठे हैं, आए हाय कैसा दिल को सुकून है, करीम के घर में बैठे हो ना, जल्दी किस बात की है। एक बहुत बड़ा महल हो, बहुत बड़ा बादशाह हो, आपको अपने महल में बुलाए, बंदे को रात खुशी के मारे नींद नहीं आएगी, बादशाह के पास कल जाना है। अच्छा, बादशाह के पास जाए, 5 मिनट का कहा हो कि भाई 5 मिनट मिलेंगे बादशाह सलामत के पास, और बादशाह का 1 घंटा बैठ जाओ, बंदा बाहर आकर बताता है, यार मुझे तो 1 घंटा बिठाया, 1 घंटा मौका मिला, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। बादशाह के पास, दुनिया के बादशाह के पास 5-10-15 मिनट ज़्यादा बैठ जाओ तो खुशी होती है। जिसने सारी कायनात बनाई है उसके घर में क्यों जल्दी होती है। बैठो ना सुकून के साथ, जल्दी ना किया करें, ये भागने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। बल्कि पता उलमा क्या फरमाते हैं, फरमाते किसी बंदे का ईमान चेक करना हो ना, तो चेक करो उसका मस्जिद से ताल्लुक कैसा है। अगर मस्जिद में ताल्लुक मजबूत है, समझ लो ईमान भी मजबूत है। एक और रिवायत में आता है कि मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसा मछली पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर कैसी होती है, पुरसुकून, इत्मीनान, इंजॉय। और फरमाया मुनाफिक ऐसा होता है मस्जिद के अंदर जैसे मछली पानी के बाहर होती है। अब अपने दिल से पूछे कि जब मैं मस्जिद में जाता हूं मुझे क्या होता है, इत्मीनान मिलता है, या अल्लाह तेरा शुक्र। अब बेकरारी, टेंशन, घड़ी देखते लोग, यार अभी तक इमाम साहब नहीं आए, अभी तक जमात नहीं हुई, अभी तक दुआ खत्म, अभी सलाम इमाम साहब नहीं फेरते, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। क्यों, मस्जिद में तुम्हें चैन नहीं आ रहा, अपने दिल का इलाज कराओ। अगर मुझे अल्लाह के घर में चैन नहीं है तो फिर किधर चैन आएगा। तो नमाज से मोहब्बत करें, मस्जिद से मोहब्बत करें, बावकार तरीके से आए, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए, तैयार होकर आए, यार अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं। जितना वकार के साथ, जितनी तैयारी के साथ आप नमाज पढ़ेंगे, फिर देखिए नमाज की बरकतें कैसे मिलती हैं। फिर मजीद नमाज के जो आदाब हैं, तहारत हो, वजू हो, सही तरीके से तिलावत हो, रुकू सुजूद हो, उसके आदाब पूरे करें। आप यकीन करें, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, लोग वज़ाइफ पूछ रहे होते हैं, हजरत कोई वजीफा बता दें, कोई वजीफा बता दें, आप फरमाते बालिग मुसलमान मर्द का सबसे पहला और सबसे अफजल वजीफा यह कि वह 5 वक्त नमाज पढ़े। नमाज पढ़ लो, सारे काम वैसे ही सीधे हो जाने हैं। अच्छा, जो वजीफे पूछ रहे होते हैं ना, उनसे पूछो आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं नमाज में तो सुस्ती हो जाती है, कोई वजीफा बता दें। अरे भाई तुम बेनमाजी हो, अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी कर रहे हो, कौन से वजीफे ने काम करना है। यानी मैं अल्लाह को नाराज करूं और फिर कहूं कोई वजीफा बता दें कि मेरे काम बन जाए, पहले अल्लाह को तो राजी करो। तो सबसे अफजल वजीफा, सबसे पहला वजीफा यही है कि बंदा 5 वक्त का पक्का नमाजी बन जाए। अच्छा, नमाज पढ़ने के हवाले से ये बात भी हो रही होगी, जहन में आ रही होगी कि यार नमाज 5 टाइम पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़े दिन पहले तो हम सारे ही नमाजी थे, हैं? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ ना, सब 5 टाइम के नमाजी थे, अब क्या मुश्किल हो गई भाई। शैतान छूट गया ये ज़रूर हुआ है। अब जिसके दिल में उससे मोहब्बत है वो उसकी मान रहा है, वरना नमाज मुश्किल नहीं है। हाँ, जब आप रमज़ान में 5 टाइम नमाज पढ़ सकते हैं तो अब कहां से मुश्किल हो गई, उस वक्त तो भूखे प्यासे भी थे, अब तो खा पी भी रहे हो, तगड़े भी हो गए हो, अब पढ़ो ना नमाज। इसका मतलब यह हुआ नमाज मुश्किल नहीं है, मेरा ईमान कमजोर हो जाता है रमजान के बाद और मैं नमाजों से दूर हो जाता हूं। तो आइए नियत करें कि अब कोई नमाज कजा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं यार,
हैं। अब्दुल्ला तो कहते भी अल्लाह के बंदे को है ना, अब्दुल्ला गोठ वालों समझ लो भाई, हम अल्लाह के बंदे हैं। वो हम रमज़ान में भी नमाजी होने थे, रमज़ान में भी नमाज फ़र्ज थी, अब भी नमाज फ़र्ज है, हम कैसे नमाज छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ना, सुकून से नमाज पढ़ना की फजीलत सुनो। हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मैंने अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खड़े होकर लोगों से फरमा रहे हैं, जो मुसलमान अच्छी तरह वुजू करे, फिर जाहिर व बातिन की यकसुई के साथ दो रकातें अदा करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। आए हाय हाय, दो रकतें, इत्मीनान, यकसुई, अल्लाह की तरफ तवज्जो, तब दो रकतों का ये हाल है। मुबारक होने जो पांच नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद सुन्नतें भी पढ़ते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, तुम्हें मुबारक हो। सोचे कितनी बड़ी नेमत है। हमारे असलाफ पता है कैसे नमाज पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बारे में आता है कि बचपन में एक देखी हुई इबादत गुजार खातून मुझे अच्छी तरह याद है, नमाज की हालत में उनको बिच्छू ने 40 डंक मारे मगर उनकी हालत में ज़रा भी फर्क नहीं आया। नमाज से फारिग हुई तो मैंने कहा कि अम्मा जी आपने बिच्छू को क्यों नहीं उठाया। कहा साहबजादे अभी तुम बच्चे हो, ये कैसे मुनासिब था, मैं तो अपने रब के काम में मशगूल थी, मैं अपना काम कैसे करती। हाय हाय, ये होते हैं अल्लाह वाले। हमें तो जनाब बराबर से कोई चीज़ गुजरे वो भी नज़र आ रही होती है, बल्कि मस्जिद में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरी मस्जिद ही देख रहे होते हैं, पता नहीं घड़ी भी देख रहे होते हैं, टाइम भी देख रहे होते हैं, कौन आया कौन नहीं आया। नमाज पढ़ रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, भाई अपनी नमाज में तवज्जो रखे ना। हैं, अजीब व गरीब मामला, अजीब। मैंने कहा ना सीखा तो है नहीं, जो मूड में आ रहा है बंदा वैसी नमाज पढ़ रहा है, कभी मोबाइल चेक कर रहा है नमाज के दौरान ही, कमाल हो गया भाई। हैं, नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिर है और ध्यान कहीं और है। हमारे असलाफ कैसे थे, उनको पता नहीं चलता था। हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, अब जख्मों से चूर चूर हो गए थे, इतना खून बह गया था, बेहोश थे। लोगों ने कहा वैसे तो होश में नहीं आएंगे मगर नमाज से बड़ी मोहब्बत है, इनको कहो नमाज का टाइम हो गया है। हजरत उमर से कहा गया हुजूर नमाज, अस्सलात। हजरत उमर होश में आ गए, फरमाया कि नमाज नहीं तो फिर तो ईमान ही नहीं है। आप खड़े हुए और नमाज अदा करना शुरू कर दी। जख्मों से चूर चूर नमाज पढ़ते हैं, हम बिस्तर से उठकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम कारोबार से उठकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए हजरत हातिम असम, आए हाय क्या हस्ती हैं, सुनो उनकी नमाज कैसी थी। आपसे नमाज के बारे में पूछा गया कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, ज़रा गौर, सब गौर करें यहाँ अब्दुल्ला गोठ में मुझे सुनने वाले और सोशल मीडिया के नाजरीन, एक उनकी नमाज और एक हमारी नमाज। वो कहते हैं कि जब नमाज का वक्त हो जाता है ना, मैं पूरा वुजू करता हूँ, फिर नमाज की जगह आकर बैठ जाता हूँ, यहाँ तक कि मेरे सारे जिस्म के जो आज़ा हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी, पुरसकून हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, काबा शरीफ को अपने अबरुओं के सामने रखता हूँ, पुल सिरात को महसूस करता हूँ मेरे कदमों के नीचे है, दाईं तरफ मेरे जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, मलकुल मौत को अपने पीछे ख्याल करता हूँ, अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझता हूँ, फिर उम्मीद व खौफ की कैफियत के साथ अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहता हूँ, कुरान करीम को मैं ठहर ठहर कर पढ़ता हूँ, रुकू आजजी के साथ, सजदा खुशू के साथ करता हूँ, बायां पाँव बिछा कर बैठता हूँ, दायां पाँव खड़ा करता हूँ, खूब इखलास से कांप लेने के बावजूद भी मुझे यही खौफ होता है कि ना जाने मेरी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है। आए हाय हाय, ऐसा तसव्वुर है, मगर आखिर में क्या है, पता नहीं फिर भी कबूल हुई कि नहीं। और हम तो जनाब नमाज पढ़ लें तो लगता है जन्नत का टिकट मिल गया है, मैं तो पाँच वक्त का नमाजी हूँ भाई, दुनिया को बता रहे होते हैं। अरे भाई नमाज पढ़ते कैसी हो ये भी तो बताओ। ये ऐसी नमाज पढ़ने वाले भी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं। ये अल्लाह वालों का अंदाज है। नेकी करके भी खौफ है, नेकी करके भी डर है कि कबूल हुआ कि नहीं, और हम नेकियां करते नहीं मगर फिर भी शर्म नहीं आती। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा नमाज को थाम लीजिए। अच्छा, फिर नमाज सही तरीके से पढ़नी है। अल्लाह करे कि हम सही तरीके से नमाज पढ़ने वाले बन जाएँ, और नमाज खुशू व खुजू के साथ जो पढ़नी है ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत है, सूरह मोमिनून। मैं मशवरा दूंगा आप सबको भी, और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं बाद में सुने, 18वां पारा शुरू वहीं से होता है। इस सूरत का नाम है सूरह मोमिनून, और इस सूरत की इब्तदाई 10-11 आयतों में अल्लाह करीम ने कामयाब लोगों के बारे में फरमाया कि कौन लोग कामयाब हैं। आजकल बड़ी बहस होती है ना कि यार कामयाब कौन है, जो ज़्यादा शोहरत वाला है,
ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा मशहूर है, ज्यादा ताकतवर है, कौन कामयाब है? कुरान बताएगा ना कौन कामयाब है। और सुभान अल्लाह, इन कामयाब लोगों के औसाफ बयान करने के बाद कुरान पता है क्या कहता है, इनको इनाम क्या मिलेगा? फरमाया ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, वो 10-11 आयतें जरूर पढ़ें जिसमें अल्लाह ने बताया कामयाब कौन है। मगर सुभान अल्लाह, मैं दो आयतें पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह करीम ने उसकी पहली दो आयतों पता क्या फरमाया, कद अफलहल मुमिनून, फरमाया बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। ईमान वालों का जो पहला वस बयान हुआ ना अगली आयत में, फरमाया अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं। कामयाब जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों सुनो, अगर जाना है ना तो पहला वस्फ खुशू व खुजू है, नमाज में इत्मीनान है, नमाज की तरफ तवज्जो है। अल्लाहु अकबर, काश हमें ये नसीब हो जाए। अब आइए, लफ्ज़ खुशू तो कई बार सुना होगा, खुशू की तारीफ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खुशू? उलमा का फरमाते हैं कि दिल का फेल और जाहिरी आजा का अमल, ये खुशू है। दिल का क्या अमल है? कि अल्लाह पाक की अजमत पेश नजर हो, दुनिया से तवज्जो हटी हुई हो और नमाज में दिल लगा हुआ हो, ये दिल का फेल हो गया। और जाहिरी आजा का अमल क्या है? कि पुरसकून खड़ा रहे, इधर उधर ना देखे, जिस्म और कपड़ों से ना खेले। कुछ लोग कपड़ों से खेल रहे होते हैं, कुछ खुजा ही रहे होते हैं, खामा खाई हरकतें कर रहे होते, नहीं, बड़ा बावकार तरीके से। एक एक बुजुर्ग के बारे में आता है, एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, ये हमारे बराबर वाली छत पे एक पिल्लर था, एक सुतून था, वो कहाँ चला गया? तो अम्मी कहती, बेटा वो कोई सुतून नहीं था, हमारे बराबर में अल्लाह के एक वली रहते थे, रात को खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, इतना स्ट्रेट होकर, इतना खुशू के साथ नमाज पढ़ते थे कि दूर से देखने वालों को लगता था कि पिल्लर खड़ा हुआ है। इतना अल्लाह की बारगाह में इत्मीनान, ऐसा खुशू व खुजू, हमारा क्या हाल है? वो मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक साहब थे 5 वक्त के नमाजी, मार्केट में मस्जिद थी, तो एक दिन इशा की नमाज में वो दुकानदार साहब जो रोज़ाना पाबंदी से आते थे, ऐसे बहुत सारे नमाजी यहाँ भी होंगे, बाद कहीं और भी सुन रहे होंगे, अल्लाह नमाजों में खुशू अता फरमाए, ध्यान ही कहीं और होता है ना। तो एक दिन इशा की जमात चली गई तो वो दुकानदार जो थे वो रोने लगे, तो लोगों ने कहा, यार इतना माशाल्लाह जमात से प्यार है कि जमात चली गई आप रो रहे हैं? कहते, नहीं यार, मसला ये है कि ईशा से पहले दुकान बंद करता था, इमाम साहब 4 रकतें पढ़वाते थे, इतनी देर में मैं अपनी दुकान का सारा हिसाब नमाज के अंदर कर लेता था, अब नमाज खुद पढ़नी पड़ेगी तो हिसाब बाद में करना पड़ेगा। ये हाल क्या हमारा नहीं है? हर वक्त नमाज में ख्यालात ही ख्यालात, इधर जाना है, उधर जाना है। कई लोगों की कोई चीज़ गुम हो जाए नमाज में याद आती है उनको, कोई चीज़ भूल जाए वो भी नमाज में याद आती है। एक छोटा सा टेस्ट भी कभी कभी ले लिया करो, चलो आज भी ले लेता हूँ, मगरिब की नमाज जिन्होंने यहाँ बाद जमात पढ़ी होगी, बताइए पहली रकत में इमाम साहब ने कौन सी तिलावत की थी, हैं, दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ी थी? शायद 1-2-4 लोगों को पता हो। अच्छा, अब आप कहेंगे, यार मगरिब में तो 1-1.5 घंटा हो गया, चले अभी ईशा पढ़ेंगे ना, सलाम फेर के अपने आप से पूछ लीजिएगा कि यार पहली रकत में क्या पढ़ा था इमाम साहब। यानी इतना हमारा दिमाग जो है ना वो कहीं और होता है, दिमाग दिल नमाज में रहे। अच्छा, उसके 2-3 तरीके भी बता देता हूँ, ठीक है ना। एक तरीका तो यह है कि आप नमाज में जो पढ़ते हैं ना उसका तर्जमा पढ़ लीजिए, तर्जमा याद कर लीजिए। बेस्ट पता है क्या है कि आप 30वां पारा तर्जमे और तफसीर के साथ, माशाल्लाह अब तो नई तफसीर कुरान भी आ गई है, तालीमुल कुरान मुफ्ती कासिम साहब की, बड़ी मुख्तसर है, वो पढ़ लें, या तफसीर सिरातुल जनान पढ़ लें, तर्जमा और तफसीर पढ़ लें, और साथ साथ 2-3 जो बड़ी अहम सूरतें हैं, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह रहमान, जो नॉर्मली इमाम साहब पढ़ते हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं, उनके तर्जमे और तफसीर को पढ़ लें, सूरह फातिहा की पढ़ लें, आखिरी 10 सूरतें वैसे ही आखिरी पारे में आ जाएंगी। तो फ़ायदा क्या होगा कि जब इमाम साहब तिलावत करेंगे या आप खुद तिलावत करेंगे, आपको ये पता होगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, इसका तर्जमा क्या है, तो दिल नमाज में रहेगा, ठीक है। और अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक करें, अपने आप को कहें कि मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह खुशू व खुजू हासिल हो गया ना, फिर नमाज में आपको बहुत लुत्फ आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों ने कुछ दुआएं लिखी हैं, बड़ी प्यारी दुआएं हैं, आइए, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 दुआएं, अब दुआएं देखिए कितनी प्यारी हैं। अच्छा, इसे ये समझिए, दुआ कर कौन रहा है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, उनसे ज्यादा किन को खुशू हासिल था, उनसे ज्यादा किन का दिल अल्लाह की याद में मसरूफ था, ये हमारी तालीम के लिए दुआएं हैं। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिन कल्बिल्ला यख्शा,
ए अल्लाह मैं उस दिल से तेरी पनाह चाहता हूँ जो खुशू इख्तियार ना करे। वो दिल ही नहीं चाहिए जिस दिल में खुशू ना हो। क्या प्यारी दुआ है। एक और दुआ, रब इजअलनी लका शक्कारा लका ज़क्कारा लका रहाबा लका मितवा लका मुखबितन इलैका अव्वाहम मुनीबा। तर्जमा क्या है, ऐ मेरे रब मुझे तेरा बहुत शुक्र गुजार, तेरा कसरत के साथ जिक्र करने वाला, तुझसे बहुत डरने वाला, तेरा नहायत फरमा बरदार, तेरे लिए खुशू इख्तियार करने वाला, तेरी बारगाह में बहुत गिरिया वजारी करने वाला और रुजू करने वाला बना। कितनी प्यारी दुआ है, कहो आमीन। आए हाय, एक और जगह दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा वमिन कल्बिन ला यख्शा वमिन नफ्सिन ला तश्बा वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह पाक, में तेरी पनाह लेता हूँ उस इल्म से जो नफा ना दे, उस दिल से जो खुशू इख्तियार ना करे, उस नफ्स से जो सैर ना हो, उस दुआ से जो कबूल ना हो। कैसी दुआ है, अल्लाह दुआ वो अता करे जो कबूल हो जाए, दिल वो अता करे जो अल्लाह की याद में अल्लाह के खौफ से लरसता रहे और नमाजों में खुशू हासिल हो जाए, इल्म वो अता करे जिससे हम नफा हासिल करने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सलाति ला तन्फा। ए अल्लाह पाक, में तेरी पना लेता हूँ उस नमाज से जो नफा ना दे। नमाज भी पढ़ ले, नफा ही नहीं हो रहा क्योंकि सही नहीं पढ़ रहे। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह। अब एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक, कौन कौन चाहता है कि कयामत के दिन मेरा चेहरा सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाए। हाय हाय, आपको पता है कुरान कहता है कयामत के दिन कुछ चेहरे सियाह होंगे, जलील होंगे, और कुछ चेहरे कयामत के दिन रोशन होंगे। हैं, आजकल लोग बड़ी बहस करते हैं, यार फलां बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा चमकदार है, यार क्या प्यारा चेहरा है, मैं तो सांवला हूं, मेरा तो रंग अच्छा नहीं। घबराया ना करो, हैं, ये दुनिया की खूबसूरती तो आरजी है। हैं, खूबसूरती तो वो है जिसका चेहरा कयामत के दिन चमक रहा होगा। अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह कयामत के सिया चेहरे से बचाना, उस दिन हमारा चेहरा चमके ना। सुनो हदीस पाक, हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं हर नमाजी की नमाज कबूल नहीं फरमाता बल्कि उसकी नमाज कबूल करता हूं जो मेरी अजमत के पेश नजर आजजी इख्तियार करे, मेरी हराम की हुई चीजों से रुका रहे, मेरी नाफरमानी पर ना अड़े, भूखे को खाना खिलाए, बेलिबास को लिबास पहनाए, मुसीबत ज़दा पर रहम करे, मुसाफिर को ठिकाना दे, और ये सब कुछ मेरी रिजा के लिए करे। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, उसके चेहरे का नूर मेरे नजदीक सूरज के नूर से ज्यादा रोशन होगा। ये वो काम है जो करने वाले हैं। गलत कामों में पड़ गए लोग, पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए। मुसलमानों की मदद करें, नमाजों की पाबंदी करें, नर्म हो जाएं, शफीक हो जाएं, लोगों का हाथ पकड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। अब आखिर में मैं, बहुत खूबसूरत मदनी फूल है जो हमें, अगर आज आप समझ लोगे ना, नमाज से पहले अगर इन चीज़ों को आप कर लेंगे तो नमाज में ध्यान कम से कम बटेगा और आप नमाज प्रॉपर अल्लाह ने चाहा खुशू खुशू से अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको नमाज से पहले भूख लगी हुई है या बहुत प्यास है तो खाना खा लें या पानी वगैरह पी लें। भूख प्यास के अंदर नमाज में ध्यान कम लगता है। फिर फरमाया, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, पेशाब वगैरह की हाजत है, तो उससे भी पहले फारिग हो जाएं, ताज़ा वुजू करें। ये ध्यान बटाने वाले काम है ना, आपका ध्यान ही कहीं और लगा, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे। फिर फरमाया कि आपको कोई बहुत एमरजेंसी कॉल करनी है, कोई बहुत ज़रूरी काम, बंदा कहता है नमाज पढ़ने के बाद करूँगा, अब वो कॉल नहीं की तो दिमाग भी उसमें लगा हुआ है, तो वो कॉल से भी फारिग हो जाएं। अपने आप को फ्री करें ताकि आप प्रॉपर नमाज पढ़ सकें। अच्छा, मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें फिर, ठीक है, बच्चों से दूर रहें। बच्चे बाज़ों का नमाज के दौरान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उससे भी नम ध्यान बटेगा। शोरों गुल वाली जगह पर ना हो। इसी तरह फिर लिखा किताबों में कि सामने वाली जो दीवार है जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं उसमें कोई शीशा ना हो या नक्शो निगार ऐसे ना हो कि आपका ध्यान उसी के अंदर बटा रहे। ऐसी जगह से ऐसी जगह कोशिश करें नमाज ना पढ़ें। अच्छा, गर्मी अगर आपको बहुत लगती है तो पंखे वगैरह का इंतज़ाम कर लें ताकि आपके नमाज में ध्यान रहे, ठीक है। सर्दी लग रही है, बहुत ठंड के दिन है, तो हीटर वगैरह का या गर्म कपड़े पहन लें ताकि आपको नमाज में ध्यान रहे, यानी खुशू व खुजू आपका डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, इसी तरह तंग लिबास ना हो। बाज़ औक़ात बड़ा तंग लिबास पहनते, फिर वो नमाज में रुकू सुजूद में तकलीफ हो रही, इतनी टाइट पैंटे पहन लेते हैं,
इतने टाइट कपड़े पहनते कि जनाब बंदे का सजदा ही नहीं हो पाता। अच्छा सजदे में जाते तो इतनी बेपर्दगी होती है, पीछे वाले की बदनिगाही हो रही है, कपड़े रिलैक्स वाले पहने। इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ मच्छर वगैरह बहुत हैं तो पैरों पर मोज़े पहन लें ताकि पैर पर मच्छर काटेंगे आपका ध्यान फिर मच्छर भी रहेगा कि अभी दूसरा आ रहा है अभी तीसरा आ रहा है तो बंदा इसी में गया। अच्छा फिर इसी तरह लिखा बाज़ों का जेबों में बहुत सामान होता है, अब वो जेबों में इतना सारा सामान रख के नमाज़ पढ़ लें तो सजदे में रुकावट हो रही है, कायदे में रुकावट हो रही है, बराबर वाले को चुभ रहा है हमारा सामान, तो भाई जेब थोड़ी सी खाली कर लें, सुकून से नमाज़ पढ़ें। अच्छा बहुत ज़्यादा नक्शो निगार वाला मुसल्ला भी ना हो, जहाँ नमाज में ही ऐसे फिगर बने होते हैं बंदा नमाज में ही ढूंढ रहा होता है इसमें क्या बना हुआ है, तो गई नमाज तो गई कहीं और बंदा उसी में तलाश कर रहा होता है क्या लिखा हुआ है, किसका मुँह है, किसकी नाक है। तो भाई सादा सी नमाज, जा नमाज हो या जा नमाज के बगैर, आप फर्श के ऊपर भी, पाक फर्श हो तो उस पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा अब नमाज में पता है बार बार वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, तो नमाज शुरू करने से पहले दूसरे ना देखें, इसी तरह उल्टे हाथ की तरफ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय अज़ीम पढ़कर थू 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 तीन बार, थूक नहीं फेंकनी है, सिर्फ तीन बार ये करना है। आवाज़ भी बुलंद ना हो तो मसला नहीं है, और कोई देख ना रहा हो तो ये कर लें, तो इंशाअल्लाह वसवसे जो हैं वो अल्लाह ने चाहा दूर हो जाएंगे। जो नमाज पढ़ लें उसको ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझें तो इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो नमाज में रहेगी सुबहानअल्लाह, और जो नमाज पढ़ लें उसके माना पर नज़र रखें तो भी इंशाअल्लाह आसानी के साथ अल्लाह ने चाहा आपका खुशू व खुजू हो जाएगा। अब ये चंद बातें तो मैंने अर्ज़ कर दी हैं, वरना सच्ची बात है कि नमाज में छः शराइत हैं, सात फराइज़ हैं, उसके कुछ आदाब हैं, उसकी तिलावत और किरात दुरुस्त होनी चाहिए, ये सब सीखना हम पर फ़र्ज़ है। जो बालिग मुसलमान यहाँ बैठा है नमाज के इल्म सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, मगर बहुत सारे कामों में लगे होते हैं नमाज नहीं सीखते। तो आज एक बार फिर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ दावत इस्लामी सुबहानअल्लाह, सच्ची बात पता है क्या है, अगर हमसे पैसे भी लेती होती ना दावत इस्लामी के, इतने हज़ार रुपये दो फिर नमाज सिखाएंगे, सच्ची बात है हज़ारों रुपए देकर भी नमाज सीखनी चाहिए थी। मगर कमाल देखें दावत इस्लामी का, सात दिन का कोर्स है, खिलाते पिलाते भी हैं, एक रुपया नहीं लेते, फिर भी कहते खुदा के वास्ते आ जाओ नमाज सीख लो, क्योंकि नमाज ठीक कर ली तो नमाज बंदे को ठीक कर देगी इंशाल्लाह। तो नियत करें इंशाल्लाह अगर यहाँ भी कोई नमाज कोर्स होने वाला है या कोई तारीख है तो मुझे बताएं, मैं ऐलान कर देता हूँ, वरना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में बार बार नमाज कोर्स होता है, वहाँ भी तशरीफ़ लाएं और नमाज कोर्स कीजिए। ऑनलाइन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए भी आप नमाज कोर्स कर सकते हैं, जो मुझे दुनिया भर में सुन रहे हैं, दावत इस्लामी का एक शोबा है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, जिसका वेबसाइट है quranteacher.net, quranteacher.net पर जाएँ, 40 के करीब कोर्स हैं, वहाँ नमाज का भी कोर्स है, आप ऑनलाइन भी नमाज सीखें, प्लीज़ इस्लामी भाई भी सीखें, इस्लामी बहनें भी सीखें, फिर अपनी आँखों से आप देखेंगे आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके कर्जे दूर होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगे खुदारा। तो दोस्तों आपने बयान को सुना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बयान आपको कैसा लगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ख़ास करके उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो नमाज़ों से पीछे रहते हैं यानी नमाज नहीं पढ़ते। दोस्तों नमाज सब पर है, नमाज सब के लिए है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे ठेला वाला हो चाहे बिजनेसमैन हो, किसी पर भी नमाज माफ़ नहीं, नमाज सब पर है, नमाज हमको पढ़ना है। नमाज में हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे दीनी और दुनियावी फ़ायदे रखे हैं, नमाज पढ़ेंगे तो अपने लिए ही फ़ायदा करेंगे, हमारी नमाज से अल्लाह को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं बल्कि हमें ही फ़ायदा होगा। दोस्तों ये वो नमाज है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा, तो इसकी तैयारी करें, नमाज पढ़ें, नमाज पंजगाना की आदि बनिए, साथ में अपने घर वालों को भी नमाज की ताकीद करते रहें, क्योंकि देखिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि ए लोगो सब अपने नफ्स को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, अपने आप को भी और घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाने का हुक्म है। मैं तो नमाजी बन गया, मैं तो पंजगाना नमाज अदा करता हूँ, बाकी घर वाले पढ़े या ना पढ़े
जाए भाड़ में तो ये सोच गलत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए आप ख़ुद भी नमाजी बनिए और अपने घर वालों को भी नमाजी बनाइए और फिर अपने दोस्तों अहबाब को भी नमाज पढ़ने की ताकीद कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।